हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, चलिए 2023 आने वाला है, 2022 ऑलमोस्ट चला गया है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। एंड मुझे काफ़ी मैसेजेस भी मिले हैं एंड कई लोगों ने पूछा है कि 2023 की रीडिंग आउट क्यों नहीं हुई है। तो गाइस, ऑलरेडी 2023 की जो रीडिंग है वो आउट हो गई है, बट आई डोंट नो आपको क्यों नहीं मिली है। फिर भी मैं आप सबके लिए 2023 की रीडिंग एक कर लूँगी। एंड इसी के साथ साथ गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग पर आएंगे तो आपके सिचुएशन के साथ मैच करेगा एंड आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगा। तो चलिए, बिना देर किए हम रीडिंग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 2022 में जो साल गया है उसमें आपकी क्या एनर्जी थी, 2023 में क्या एनर्जी होने वाली है, सारी चीज़ें हम सबसे पहले देख लेंगे। फर्स्ट चक्र आर्क एंजल। सो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका टाइम बीता है 2022 में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपका टाइम था। एंड पर्सनल लाइफ में भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छा कनेक्शन आपको मिला है। हो सकता है आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, या हो सकता है कि आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिला है जो जिसके बारे में आपने सोचा था कि आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए या होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पर आपका दोनों में ही मुझे कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते थे, आपका बिज़नेस आप सेटअप करना चाहते थे, तो वो आपका कई टाइम से नहीं हो पा रहा था। तो आई थिंक 2022 के एंड तक आपका बिज़नेस या तो सेटल हो गया है या फिर ऑलरेडी 22 में बिगिनिंग में या मिड में आपका बिज़नेस लग गया था। अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका आपका बिज़नेस चल रहा है। करियर में मुझे कई लोगों को एक बहुत अच्छी जॉब मिली हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे 2022 में। कुछ चीज़ें हो सकती है, हो सकता है आपको आपके टारगेट कंप्लीट करने में थोड़ी सी दिक्कतें जा रही है, लेकिन आपका जो काफ़ी ओवरऑल है, मुझे आपका करियर वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ भी मुझे आने वाले टाइम में आपके लिए आती हुई दिख रही है। रही बात पर्सनल लाइफ की 2022 में, सो फ्रेंड्स, आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर मुझे यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहा है ना। हो सकता है आपकी शादी हो गई हो या शादी फिक्स हो गई हो, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गए हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आपको किसी पर क्रश था एंड उसको भी आपके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते थे, या फिर बहुत ज़्यादा आपको आपके ऊपर उनको भी क्रश था। ये दो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देख लेते हैं कैसा था आपका 2022 शॉर्ट में, करियर वाइज और पर्सनल लाइफ वाइज, ये भी हम देख लेते हैं। बताइए यूनिवर्स, कैसा था मेरे व्यूअर्स का 2022, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फ्रेंड्स, जजमेंट, ओके। सो करियर में, हाँ जी, मुझे ऐसा ही लग रहा है काफ़ी लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आपके करियर का या फिर आपकी चीज़ें ठीक होने का, बिजनेस सेटअप होने का, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी आई है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा। देखिए, आपका जॉब या बिजनेस तो आपका लग गया है, लेकिन उसी के साथ साथ में ना आपको इससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी ऐसी सीख मिली है जो अनएक्सपेक्टेड थी। हो सकता है जो भी आपका पार्टनर था वो आपका, अभी जो साइन आया है ये लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, मतलब तुला, कुंभ और मिथुन राशि आई है। इसी के साथ साथ फोर ऑफ कप्स की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है। फ्रेंड्स, आपने बहुत ज़्यादा सेविंग किए करियर में ना, आपको अगर पैकेज अच्छा मिला है या आपकी नज़र में अगर वो अच्छा भी नहीं मिला है, तो काफ़ी ज़्यादा ना आपको पैसे सेविंग करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है कि आपने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे सेव करने के लिए एंड प्रॉपर्टी के लिए, आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, तो उसके लिए भी आप सेविंग कर रहे थे। इसके साथ साथ पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर भी यहाँ पर आए हैं, स्ट्रॉन्ग है पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर। और देख लेते हैं पर्सनल लाइफ में तो मुझे, हाँ जी, आपकी तो एक मुझे देखिए, एक तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि आपका कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, आपके हस्बैंड वाइफ या फिर आपके लवर, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एंड उनके साथ में आपका रिलेशन मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टॉवर का भी कार्ड आया है, देख लेते हैं द यूनिवर्स। टॉवर का 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं आपको सारी कार्ड्स के साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो साइंस आया है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन, एंड इसी के साथ साथ आया है पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर, मीन वृश्चिक और कर्क राशि।
सो कैसा हुआ फ्रेंड्स? मुझे देखिए, ये तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, करियर जो है आपका 2022 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। चीज़ें आपके ऊपर भी आई है, कुछ मुसीबतें आई है, कुछ सडन ऐसा होता है ना कि सडनली आपके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया आपको, आपके काम कंप्लीट करने का एंड ऑल, तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आई है। ये मुझे लग रहा है कि मिड ईयर में आपके ऊपर आई है, या फिर अगर आपका जॉब मिड ईयर से लगा है तो तब से लेकर अभी तक के जो बीच का समय था वो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड इसी के साथ साथ है ना, आप किसी चीज़ के लिए पैसे बचा रहे हो फ्रेंड्स, हो सकता है प्रॉपर्टी लेने के लिए आप पैसे बचा रहे हो, ऑनसाइट जाने के लिए पैसे बचा रहे, ऐसा मुझे किसी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा सेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो आपके जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना पजेसिव, या फिर मतलब जिस पोजीशन पे आप है ना उस पोजीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर अगर आप कोई बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे नहीं है लेकिन जिस कंपनी में है तो उस कंपनी में आने के लिए लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब बहुत अच्छी कंपनी है आपकी, इसी के लिए लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ें देख कर ना लोग ऐसा कहते हैं ना कि आप इन सब चीज़ों को मानते हुए मुझे यहाँ पे देख रहे हैं कि नज़र लग जाती है ना, उन सब चीज़ों के कारण भी मुझे आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लोग आपको लेके काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं है ना, आपको समझ में आ रहा है, आपके सामने तो बात नहीं करते लेकिन जब आप वहाँ से चले जाते हैं तो आपके बारे में बात करते, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इसलिए आप थोड़े से परेशानी में मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये 2022 के एंड तक ये एनर्जी रहेंगी, इसके बाद में नहीं रहेगी गाइस। एंड पर्सनल लाइफ में भी मुझे ये दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स कि देखिए बहुत अच्छे आपके पार्टनर आपको मिले हैं, काफ़ी लोगों की मुझे यहाँ पे शादी एंगेजमेंट होते हुए दिखाई दे रही है, एंड आपके पार्टनर बहुत 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 ज़्यादा अच्छे, बहुत केयरिंग है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें देखिए आपके लाइफ में 2022 में बहुत ऐसी चीज़ें हुई है ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में ना बैड न्यूज़ आई है, अभी रिसेंटली कुछ बैड न्यूज़ आई है, या फिर हो सकता है दो महीना पहले या तीन महीना पहले कुछ बैड न्यूज़ आई है जिसकी वजह से आप अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये जो भी हुआ है, जो भी बैड न्यूज़ आपके लिए आई है ना, तो वो ऐसा था कि बहुत आपका सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, आपका पर्सनल लाइफ, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा था, एंड इन बिटवीन ही कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे ना अपसेट दिखाई दे रहे, एक अपसेट की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, बहुत ज़्यादा है ना कॉन्फिडेंस लूज़ होना आपका, बहुत ज़्यादा ऐसा रोने का मन करना, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो बहुत बुरा गाइस आपके साथ में हुआ है, आई कैन फील दैट एनर्जी। बट चलिए, टाइम चला गया है 2022 का, अब 2023 में हम एक देख लेते हैं कैसा रहेगा आपका 2023, तो होप फॉर द बेस्ट फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैसी रहेंगी आपकी 2023। सारे साइंस के लिए, फिर भी जो भी साइंस आएंगे मैं यहाँ पे आपको बता दूँगी। सिस चक्र आर्क एंजल, ओके, देखिए यहाँ पर ना आपके करियर में यहाँ पर फर्स्ट चक्र आया है, यहाँ पे सिक्स्थ चक्र आया है, सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मुझे यहाँ पे एनर्जी लग रही है आप लोगों की, जॉब से रिलेटेड या आपके बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी आ रही है। सेवन चक्र, सिक्स एंड सेवन चक्र, तीन चक्र तो आ गए गाइज साथ में से, तो बहुत ज़्यादा आपके इंट्यूशंस है ना आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मुझे हाई लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हाई आपके इंट्यूशंस रहेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें बहुत पहले ही पता चल जाएंगी कि क्या चीज़ें होने वाली है, कैसे होने वाली है ना, ये सारी चीज़ें मुझे आपको बहुत पहले से पता लगती हुई दिखाई दे रही है। चलिए देख लेते हैं आगे की रीडिंग हम कर लेते हैं गाइस, बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कैसा रहेगा इनका 2023। जस्टिस का कार्ड आया है लेकिन रिवर्स में आया है फ्रेंड्स, कुछ अगर आपका कोई ऐसा है, कोई क्या कहते हैं, कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो वो डिले हो सकता है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इसे अगर डिले होता है तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हिडन ऐसी चीज़ें हैं जो सामने में आ सकती है इनकेस अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है तो। ऑल्सो अगर आप अगर आपको ना आपके बॉस ने किसी चीज़ का प्रॉमिस किया है तो आप अभी से अपना मन लगा बना लीजिए फ्रेंड्स, वो चीज़ें, उन चीज़ों की पॉसिबिलिटी 2023 में काफ़ी कम मुझे दिखाई दे रही, जैसे होता है ना प्रमोशन का कोई आपको प्रॉमिस कर देता है, ऑनसाइट का प्रॉमिस कर देता है, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। उन्होंने आपको प्रॉमिस तो कर दिए है लेकिन 2023 में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि 2023 में भी डिले होगा। एंड इसी के साथ साथ गाइज, अगर आप जॉब चेंज करने के लिए सोच रहे हैं तो 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको यहाँ पे मुझे जॉब मिलते हुए दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ साथ आपके घर में एक नई खुशी भी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है गाइस। हो सकता है कोई नया मेहमान आपकी लाइफ में आ जाए। अगर आपके पार्टनर कुछ कंसीव करना चाहते हैं तो वो एक नई गुड न्यूज़ भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर साइंस आए हैं गाइस। तो यहाँ पर अर्थ साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। यहाँ पे जो है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी वृषभ कन्या और मकर राशि जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ पाइसेस स्कॉर्पियो कैंसर मतलब मीन वृश्चिक और कर्क राशि भी यहाँ पर आई है। एंड फायर साइन भी है एरिस लियो सैजिटेरियस मतलब मेष सिंह और धनु राशि। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर कैसा रहेगा आपका 2023। सो गाइज एक तो देखिए सिक्स्थ चक्र आर्क एंजल यहाँ पर है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके ऊपर थोड़ा सा आने वाला है आपके काम का। वो किसी भी रीज़न से हो सकता है आपके कलीग्स चले जाए जिस जो इस वक्त आपके साथ में काम कर रहे हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस में तो आपका पार्टनर जो है वो ब्रेक ले ले बिज़नेस से, है ना। तो ये मुझे एक चीज़ यहाँ पे आपके करियर में दिखाई दे रही है। एंड इसी के साथ साथ अगर आपने आपको किसी ने प्रॉमिस करके रखा है ना, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अगर ऑन साइट का किसी ने प्रॉमिस करके रखा है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छे क्लाइंट देने का किसी ने प्रॉमिस करके रखा, या फिर क्लाइंट ने बोला कि नहीं हम देखेंगे 2023 में हम आपसे डील करेंगे ना नेक्स्ट किसी प्रोजेक्ट की, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपना माइंड प्रिपेयर करना है। लेकिन जो प्रॉमिस आपसे किया गया है अगर वो नहीं हो रहा है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके अलावा मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। अगर किसी ने एक्स वाई जेड ने आपसे प्रॉमिस किया कि 2023 से वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे आपके साथ मिलके, इधर जॉब और बिजनेस, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे मुझे बहुत कम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है। जस्टिस इन रिवर्स आया है, लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये भी बता रहा है कि अगर ये अपॉर्चुनिटी गई ना गाइज तो आपके लिए ऑलरेडी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे वेट कर रही है। बहुत अच्छी चीज़ों की एक शुरुआत होने वाली है, ठीक है। लेकिन आप क्या करेंगे, देखिए फाइव ऑफ कप्स की भी यहाँ पर एनर्जी अगर आप देख सकते हैं तो आप क्या करेंगे ना, आपका दिल ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे ना ये अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती तो मैं ज़्यादा खुश होता या ज़्यादा खुश होती। तो ये आपके दिमाग में चल सकता है गाइज, ये चीज़ें आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि जस्टिस ही इन रिवर्स में आया मतलब ये डेस्टाइन है गाइज। ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कोई आपकी गलती नहीं रहेगी या क्लाइंट की गलती या जो आपके बॉस की उनकी गलती नहीं रहेगी, ये डेस्टाइन है। ये चीज़ ऐसा ही, वो ऐसा कहते हैं ना कि एक कौर मुँह तक आ रहा है ना, खाने का कौर एंड वो चला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डेस्टाइन है। तो आपको इन चीज़ों को भूल के ना जो भी नई चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। सेवन चक्र आर्क एंजल यूरियल आया। सो गाइज डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा एक तो ब्लेसिंग मुझे यहाँ पे मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है गाइज। कुछ बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है आपकी लाइफ में ना। कई लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी की शादी नहीं हो पा रही है काफ़ी टाइम से, या फिर अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी लाइफ में खुशी नहीं आ पा रही है ना, तो वो चीज़ें मुझे 23 में कम्प्लीट होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड वो भी आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से। कोई जो कहते हैं कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं ना, हम जैसे हम हिंदू रीति रिवाज में बहुत सारी चीज़ें मानते हैं कि पूर्वजों का कोई श्राप नहीं होना चाहिए या फिर पूर्वजों का कोई ब्लॉकेजेस नहीं होना चाहिए, जिसके लिए हम काफ़ी सारी पूजा करते हैं, काल सर्प वगैरह करते हैं। तो मुझे लगता है आपने ऑलरेडी 2022 में ना वो सारे रिचुअल्स कर लिए हैं, जिसकी वजह से आपको 2023 की स्टार्टिंग में ही मतलब स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने में ही आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। एंड वो गुड न्यूज़ ऐसी रहेगी जो काफ़ी टाइम से आपका काम रुका हुआ है, जो भी चीज़ में आपका काम पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ गाइस, है ना, तो जो भी काम आपका रुका हुआ है तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे 2023 के बिगिनिंग में यानी 2 से 3 महीने के बिगिनिंग में वो चीज़ें आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन आपका हो सकता है, होम कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी आप ले रहे हो आपके घर में, आप या आपके पार्टनर कंसीविंग की तैयारी कर रहे हो ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी गुड लक के साथ में। बहुत अच्छा आपके पास में गुड लक है। एंसेस्टर्स का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ गाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि फिर भी कोई चीज़ रुकी हुई है तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं या स्ट्रे एनिमल्स कोई भी है, डॉग्स है, कैट्स है, काउज है ना, उनको आप थोड़ा सा फीड कराइए, आपके जो भी ब्लॉकेजेस है 100% मैं गारंटी देती हूँ आपके ब्लॉकेजेस सारे हट जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। पेज ऑफ फ्रेंड्स मुझे ये दिखा रहा है फ्रेंड्स कि आपको पर्सनल लाइफ में ना आपके एक करियर में तो मैंने आपको बता दिया, पर्सनल लाइफ में एक बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कि अगर आप लेडी है, अगर आप गर्ल्स हैं ना, तो घर में बैठे बैठे ही
जैसे वो होता है ना वर्क फ्रॉम होम या कोई बिज़नेस आप घर से शुरू करते, वो एक चीज़ें मुझे एक दिखाई दे रही है। तो घर से ही आप कोई चीज़ें कर सकते हैं, कोई छोटा सा बिज़नेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर हो सकता है वर्क फ्रॉम होम भी आप शुरू कर दे, जॉब भी आप शुरू कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है गाइज़। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग पे आप जाने की सोच रहे हैं, कुछ 23 के लिए आपने कोई टारगेट करके रखे हैं, है ना, कि आपको इधर जाना है, किसी कंट्री में जाना है या कुछ जाना है, तो उसमें बहुत सोच समझ कर आप जाइए, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थोड़ा पैसों का यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा नुकसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आउट ऑफ बजट आपकी ट्रिप हो जाए, तो जब भी आप जाएंगे बहुत सोच समझ के जाइए, अपना बजट प्रॉपर करके जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसा है ना, कुछ ऐसे सडनली कुछ चीज़ें ऐसे हो जाए कि आपको अचानक से ही पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली ट्रैवलिंग में। तो 2023 में अगर कोई आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सोच के रखा है, प्रॉपर आप प्लानिंग करके जाइए। चलिए गाइज देख लेते हैं आपके लिए अगर कोई एक्स्ट्रा मैसेजेस है तो वो भी हम देख लेते हैं, एक करियर के लिए, एक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा मैसेज है तो। ओके, कंपैरिजन एंड शेयरिंग, पेशेंस। देखिए मैं वही एक कंफर्मेशन आया गाइज, मैं आपको बता देती हूँ, पेशेंस एंड अवेयरनेस। देखिए करियर में कैसा है ना गाइज, ये हो सकता है कि आप कंपैरिजन करें, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे, मैंने आपको बताया ना कि कुछ तो फॉल्स यहाँ पे कमिटमेंट आपको दिए हुए हैं जिसका आपको रिजल्ट वैसा नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है ना, आपको कंपैरिजन शेयरिंग दोनों भी कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं कि आपको कंपेयर नहीं करना है। चीज़ें तो है कि जो आपसे अभी आपको जो कमिटमेंट दिया गया है उसके फुलफ़िल होने के चांसेस कम है, लेकिन जो चीज़ें हैं आपको अगर आपके अलावा इनकेस अगर प्रमोशन आपको ना मिलते हुए किसी और को अगर प्रमोशन मिल जाए तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानना है गाइस, वो डेस्टाइन है। आपको उनके साथ में जो भी उनकी खुशी है, जिनको भी प्रमोशन मिला है आपके बिहाफ में या जिनको भी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिली है उनके बिहाफ में, आपको उनके साथ में उनकी खुशी को शेयर करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं से ही रिलेटेड मुझे आपके ब्लॉकेजेस यहाँ पे खुलते हुए दिख रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक सेवन चक्र है, तो किसी के आशीर्वाद से आपके ब्लॉकेजेस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कन्फर्मेशन है कि हाँ जी आपकी फैमिली एक्सपांशन जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, कि अगर आपको कोई आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उसके पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ अवेयरनेस का यहाँ पे कार्ड है, कुछ 2023 में ऐसे सीक्रेट्स आपके सामने में रिवील होंगे जो आपने उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है वो सीक्रेट्स आपके पास्ट से हो, या फिर हो सकता है अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड कोई सीक्रेट्स खुल जाए 2023 में, तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन इससे ना आपको जो भी सीक्रेट आपके सामने में आएगा उससे आपको आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब वो सीक्रेट रिवील होने से हो सकता है आप डिसीज़न कोई लेना चाहते हो, वो डिसीज़न आप रॉन्ग ना लेते हुए राइट ले ले, क्योंकि आप किसी और पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है, जस्ट एन एग्जांपल है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए अब सिर्फ देख लेते हैं सेल्फ केयर मैसेज कि आपको अपने लिए क्या करना चाहिए, हम दोनों में देख लेंगे आपके करियर में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी कि आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बताइए यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए पर्सनल मैसेज प्लीज। हैप्पीनेस, प्रायोरिटीज। सो करियर के लिए आया है गाइस हैप्पीनेस। एंड यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ना कि यहाँ पे ये बंदी बहुत ज़्यादा सैड हो रही है, यहाँ पे हैप्पीनेस, तो ये चीज़ें आपके करियर में जो भी चीज़ें हैं ये मुझे बार बार आपके फॉल्स प्रोमिसज की वजह से लग रहा है ना, तो जो भी चीज़ें उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करते हुए आपको अपनी हैप्पीनेस पे कॉन्सेंट्रेट करना है गाइज। एंड वैसे भी ना वो अगर आई डोंट नो, मैं काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स को फॉलो करती हूँ, जो फैक्ट्स हमें बताते हैं ना जैसे यूट्यूब पे वगैरह, तो उसमें मैं फॉलो करती हूँ, तो उसमें फैक्ट्स में भी ऐसा है कि अगर आप जितना हैप्पी रहेंगे ना, गुड लक आपके पास में उतना ज़्यादा आएगा जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, आप जो चीज़ को मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपके पास में आएंगी। तो आप जितना ज़्यादा हैप्पीनेस रहेंगे उतना ज्यादा हैप्पीनेस आपके पास में आएगा, जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिव आपके साथ में होगा, है ना। आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी में नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा आपको हैप्पी रहने की कोशिश करना है।
पर्सनल लाइफ के लिए आया है प्रायोरिटीज़, आपको आपकी प्रायोरिटीज़ मार्क करनी होगी गाइज। हो सकता है आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाए आपके करियर में एंड आप अपने पर्सनल लाइफ में ध्यान ना दे पाए, बट आपको प्रायोरिटीज़ यहाँ पर आपको पहले देखना होगा कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। यहाँ पर भी पेट आया है, यहाँ पर भी पेट आया है, आप देख सकते हैं गाइज। तो आपके पास में अगर कोई पेट है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके लिए एक थेरेपी का काम मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक स्ट्रेस रिलीविंग का काम मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो मुझे एक प्रोटेक्शन की एनर्जी भी लग रही है जो भी आपके घर में पेट है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग फॉर 2023। प्लीज़ मेरा चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए उनके साथ जिन्हें ज़रूरत है। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।